नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं आपके साथ विकास। कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है अब घेरे में आ गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पंजाब में चूक हुई आखिर वो कितना बड़ा मामला था। भैया एक बार अपना नाम बता दें। मान नवीन गिरी, काल भैरव मंदिर। नवीन जी, कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, क्या मानते हैं कितनी बड़ी चूक थी? देखिए, तो षड्यंत्र था एक, और षड्यंत्र की तरह ये करवाया गया, पर जिसके ऊपर बाबा काल भैरव का आशीर्वाद हो, वो किसी तरह का भी षड्यंत्र हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो बाबा काल भैरव के अनंत भक्तों में से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। तो जिनके ऊपर बाबा काल भैरव, जो काल के ऊपर भी राज करते हों, उनका जो भक्त हो, तो उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि यहाँ जहाँ नवग्रह का ना चलता हो, तो ग्रह भी जो अगर उनके विपरीत हो, वो भी बाबा काल भैरव के आगे नतमस्तक होता है। तो इसीलिए जो एक आप जो ये षड्यंत्र किया गया माननीय हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो षड्यंत्र जो विफल हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी बाबा काल भैरव मंदिर में आए थे और उनका एक विशेष पूजा हम लोगों ने कराया था। इसी सब देखते हुए कि उनके ऊपर इतना बड़ा खतरा हमेशा रहता है, इसी खतरा को देखते हुए एक विशेष पूजा उनको कराया गया था, जिस पूजे का ही ये पावर और बाबा का ही आशीर्वाद है कि उनके ऊपर आए हुए इतने बड़े विपत्ति को कैसे ख़त्म हो गया है पता भी नहीं चला। और किसी प्रकार का षड्यंत्र अगर कोई भी अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ करता है, तो बाबा उसको दंड देंगे, माननीय मोदी जी नहीं, हमारे बाबा काल भैरव ही उनको दंड देंगे। इसलिए किसी प्रकार का अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र करता है, तो उस दिन के लिए भी होशियार रहे, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, और जिसके ऊपर भगवान का कृपा होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम लोग बाबा काल भैरव से आज विनती करते हैं कि उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का अगर ग्रह हो, और किसी कोई भी अगर उनके बारे में बुरा सोचता है, तो उसको दंड देने का काम आप करें। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के काफिले को जो रोका गया पंजाब में, कांग्रेस सरकार डर गई क्या उनसे? डर नहीं गई, ये षड्यंत्र की तरह, ये षड्यंत्र हुआ, उनके हत्या करने का प्रयास किया गया कि गाँव के लोगों द्वारा उनके ऊपर अटैक कराया जाए। ये तो हमारी जो हमारे प्रधानमंत्री का सुरक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है कि उसके वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो इस तरह की तो होती रहेंगी, पर आगे इस तरह का कोई अगर हिम्मत करने का प्रयास करता है, तो बाबा काल भैरव से दंड देने का काम जरूर करेंगे, ये आपके सामने आएगा। तो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो कल चूक हुई पंजाब में, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को मारने का षड्यंत्र भी हो सकता था, ये और भी लोग इनसे जानेंगे। भैया एक बार अपना नाम बताएं। नलिन नयन मिश्र। नलिन जी, कल पंजाब में जो हुआ, क्या कहेंगे उस घटना को? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश हुई कल, और कांग्रेस नीचता के हद तक जा सकती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करके सरकार बनाती है, वो कांग्रेस हम कल्पना नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री जी का जब फ्लीट आता जाता है, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, यहाँ थोड़ा और ढील दी जाती है हमारे सांसद होने के नाते, इसके बावजूद सड़क पर एक कुत्ता भी आ जाए तो पुलिस के अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री का फ्लीट 20 मिनट रुक गया, वहाँ की सरकार सो रही थी, क्या कर रही थी, ये तो 100% है कि यह षड्यंत्र हुआ था कि मोदी जी पर हमला हो और भीड़ का नाम लगा के और उसको जो है टाल दिया जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती, कहीं ना कहीं उसका जिम्मा SPG और राज्य सरकार का ही होता है, तो उनकी सुरक्षा की जो चीज़ें लीक हुई, इसमें भी क्या लगता है कांग्रेस सरकार का ही हाथ था? SPG, हम लोग काशी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री जी से कई बार मिले हैं या SPG का सामना हुआ है, SPG बाल बराबर भी, सूत बराबर भी कुछ भी छेद नहीं छोड़ती, इतनी कड़ाई होती है कि बड़े बड़े अधिकारी मंत्री तक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को नहीं जान पाते, अगर आए हैं तो DM ही बनारस के जानेंगे, SPG जानेंगी, बड़ा बड़ा कार्यक्रम ये 15 मिनट में तय हो जाता है, मोदी जी रात में घर से निकल लेते हैं बनारस की सड़कों पर, किसी को मालूम था? आप लोगों ने तो देखा भी, और वहाँ के पुलिस अधिक बड़े आला पुलिस अधिकारियों को केवल मालूम होगा, मुख्यमंत्री को मालूम होगा, तो कैसे जनता वहाँ आ गई, कैसे लोग आ गए सड़क पर कि इधर से मोदी जी जा रहे हैं? अगर जा भी रहे हैं तो पुलिस ने उन लोगों को हटाया क्यों नहीं? लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में थे, 500 की संख्या में थे, जो भी थे, लेकिन पुलिस बल जाए तो 50,000 आदमी को भगा सकती है,
लेकिन वहाँ सरकार ने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत ऐसा किया था। और ईश्वर की कृपा है, बाबा काल भैरव की कृपा है कि मोदी जी का कल कुछ हित नहीं हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक काम बाबा काशी विश्वनाथ धाम का किया है। बाबा विश्वनाथ की कृपा, बाबा काल भैरव की कृपा उनके ऊपर है। उनका कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूरी काशी उद्वेलित है, पूरी काशी का पूरा देश कल के मामले को लेकर उद्वेलित है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को इसने अपने कुकृत्य का परिणाम भोगना पड़ेगा। जी तो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, क्या मानते हैं कि कितनी बड़ी चूक थी और इसके लिए क्या कांग्रेस सरकार को वहाँ पे इस्तीफा चन्नी जी को देना चाहिए? देखिए, अगर सही बताएं तो ये सारा दायित्व तो मुख्यमंत्री का है जी। मुख्यमंत्री के जानकारी में, वहाँ से मुख्यमंत्री के जानकारी में वो प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। पहला बात, मुख्यमंत्री जी को खुद उनको रिसीव करना, जो प्रोटोकॉल होता है, DIG और DGP वहाँ पर उनके अनुपस्थिति में रहने चाहिए, जो कि वहाँ पर नहीं थे। DGP और DIG का गाड़ी प्रधानमंत्री के फ्लीट के साथ चल रहा था और वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे, जबकि उनको मौजूद रहना चाहिए था। और 20 मिनट तक वो पुल पे गाड़ी खड़ी थी। कुछ संख्या में कुछ लोग वहाँ पे थे जिसको जानबूझकर ये किसान कहा जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है वो किसान नहीं, वो कांग्रेस के उद्दंड जो है कार्यकर्ता थे, जो प्रधानमंत्री जी के फ्लीट में वो जानबूझकर कुछ ऐसा अवरोध पैदा करना चाहते थे, जान से मारने की कोशिश करना चाहते थे, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जो कि बाबा भैरव जी के कृपा से नहीं हुआ। इस वजह से हम लोग खुद दुखी हैं। और हम लोग छोड़िए, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना दुखी था कि वो उसका स्टेटमेंट लास्ट जाते समय आपने चलाया होगा, आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसा स्टेटमेंट दिया है। ये प्रधानमंत्री के कितना दुख और कितना क्रोध उनका है कि वो संयम से उस बात को पचा के लेके चले गए। भगवान उनको सुरक्षित रखे, बस यही हम लोग चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक थी, उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? चन्नी सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद देश के PM की सुरक्षा नहीं कर सकते और देश की जनता की रक्षा क्या करेंगे वो? इसके लिए क्या लगता है कि चन्नी को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा नहीं, उनको जो ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया है, इससे सख्त जो भी सजा हो उनको सजा देनी चाहिए। कार्रवाई तो एक अलग चीज़ है, सजा देनी चाहिए। गृह मंत्रालय को तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस विषय में। अच्छा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, जो उनका प्रोटोकॉल लीक हुआ, उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को मालूम होता कब PM आ रहे हैं। और कोई PM कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वर्ल्ड में जिनका नाम बिकता है मोदी जी का, उनके लिए सुरक्षा नहीं कर सकते तो जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? चन्नी सरकार विफल है, कांग्रेस सरकार विफल है, वो जनता की क्या सुरक्षा करेगी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सका? तो बाबा की कृपा रही जो सुरक्षित बच गए। क्या लगता है पंजाब में कांग्रेस सरकार डर गई है मोदी जी से? मोदी जी से डरी नहीं, मोदी जी से दुनिया डर रही है, और कांग्रेस सरकार तो डरी हुई है। और वो अपना फोटो वो बनाना चाहते हैं कि ये योगी जी या मोदी जी वहाँ के कोई भी कार्यक्रम न कर सके जिससे जनता उनके पक्ष में जाए। ज़बरदस्ती का ये लोग बखेड़ा पैदा कर रहे हैं। भैया, कल जो पंजाब में हुआ प्रधानमंत्री के काफिले के साथ, क्या लगता है कहाँ तक कैसा था वो? ये बिल्कुल निंदनीय है। जब कांग्रेस सरकार की बात आती है तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो चुकी थी, और कांग्रेस ही संसद में PV नरसिम्हा राव के रूप में एक बिल लाई थी कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा तगड़ी होनी चाहिए। आज कांग्रेस संसद में लाए अपने ही बिल को भूल गई है, और एक प्रधानमंत्री जो कि विदेशी आतंकवादियों के निशाने पे रहते हैं, उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक, ये एक बड़ी खामी है। और ये बाबा काल भैरव की कृपा थी कि हमारे प्रधानमंत्री सकुशल रह गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि हम लोग बड़ा आशा लगाए हैं, वो भी ऐसा कहीं दिखे तो वो भी जाने से बचे, क्योंकि हम लोग का बहुत आस है। और कल ये बाबा की कृपा थी कि वो बच गए और हम लोग के सपने बच गए। हम लोग को उनसे बहुत आस है, और जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा होनी चाहिए। तो फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए कैपिटल TV।